अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं। सर, बिहार में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में अनंत सिंह है। अनंत सिंह फरार, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। पुलिस उनको खोज रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। देखिए, बिहार सरकार हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास की दिशा में अपना प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी गलत करेगा, हो सकता है कि वह उस समय निकल जाए, लेकिन पुलिस के हाथे उनको आना है। जहाँ तक अनंत सिंह की बात है, वो जहाँ भी होंगे, सरकार अगर और पुलिस चाहेगी तो उनको उस दिशा में प्रयास कर रही है, और हम समझते हैं कि उनको अपनी सफाई, अपनी बात कोर्ट में रखनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं को कंट्रोल करने के लिए ये प्रयास और ये सब कार्रवाई हो रही है, ताकि वहाँ पर इस पर लगाम लगे और अपराधी कोई व्यक्ति हो उस पर नकेल कसा जा सके। लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर फंसा रहे हैं। देखिए, ये तो हम इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर कोई उनको जानबूझ करके फंसा रहा है तो उनका वो क्यों भाग रहे हैं? वो उपस्थित होकर के अपना फेस करें, वो जवाब दें। अगर वो जवाब देंगे, उससे कोर्ट संतुष्ट होगी, तो वो फिर उनकी बात मानी जाएगी। ऐसे जो उनके अगेंस्ट जो रिपोर्ट आई है, उस पर पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है। लेकिन सर, जिस तरह से RJD और कांग्रेस के नेता अनंत सिंह के बचाव में उतर गए हैं, आपको नहीं लग रहा अपराधी को बचा रहे हैं? देखिए, किसी को भी, कोई सरकार हो या विपक्ष के कोई लोग हो, अपराधी को बचाने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अपराध बढ़ती है, और जब अपराध बढ़ते हैं तो सभी लोग उस पर सरकार की भात पीटते हैं। लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होने देनी चाहिए। अगर उसमें अपराधी जो नहीं है, वो कोर्ट में स्टेटमेंट देगा, पुलिस में स्टेटमेंट देगा, तो अपना बचाव रखेगा, सही होगा तो वो बचेगा। बिहार महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से गायब हैं, क्या आपको लग रहा है NDA के जीत के डर से वो भाग रहे हैं? देखिए, NDA बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत से है। RJD की नाकामयाबी सिद्ध हुई है, ये रिजल्ट बता दिया है, इसलिए अब वो कहाँ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन NDA मजबूती से बिहार में गठबंधन काम कर रहा है, विकास की गति तीव्र है। बिहार का विकास नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, विकास विकसित के तरफ जा रहा है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं NDA सरकार में दुरुस्त हुई है, जो RJD की सरकार में नहीं हो सकी थी। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, LiveCities.in के लिए।